हेलो दोस्तों, आज सुबह ऋषभ पंत का भयंकर कार एक्सीडेंट हो गया है। वह उत्तराखंड से रुड़की की ओर जा रहे थे सुबह सुबह, और डिवाइडर में टकराने के वजह से एक्सीडेंट हुआ है। ऐसा कि आप देख पा रहे हैं कि डिवाइडर किस तरह से टूट गया है, मतलब आप सोच सकते हैं कि जो अंदर था उसका क्या हालत हुआ होगा। ऋषभ पंत का पीठ और सिर पर गंभीर रूप से चोट आई है, तो आगे हम बात करेंगे कि उनका अभी का सिचुएशन कैसा है। जैसा कि देख पा रहे हैं, गाड़ी पूरी तरह से जल गई है। एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज भी आ चुका है। बट एक चीज़ के बारे में जान के बहुत ही दुख हुआ कि ऋषभ पंत अपने से गाड़ी से बाहर निकले जैसे तैसे करके, और वहाँ पे कुछ लोग आए और ऋषभ पंत की हेल्प करने के बजाय उनका वीडियो बनाने लगे, उनका पैसा लेके भाग गए। ये देखो भाई, यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। ये बंदा बेचारा देखो, एक्सीडेंट हो गया सुबह। बताया जा रहा है कि उनके पास 3 से 4 लाख रुपया कैश थी, और घटना के बाद सारे रुपये रोड पे बिखरे हुए थे। इसके बाद वहाँ 2 युवक आए और ऋषभ को पहचाना, और ऋषभ को स्थानीय अस्पताल में पहले भर्ती कराया गया, जिसके बाद उन्हें देहरादून रेफर किया गया। कहा जा रहा है कि ऋषभ को जल्द ही दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। और अगर ऋषभ की अभी के कंडीशन के बारे में बात करें तो सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली क्रिकेट ने बताया कि जो ऋषभ का कंडीशन है अभी स्टेबल है, तो भगवान से बस दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो बस इतना ही, अगर आगे कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। फर्स्ट इम्पैक्ट यहाँ है, यहाँ से ये बैरिकेडिंग रेलिंग तोड़कर ऑलमोस्ट हवा में होते हुए गाड़ी, ये बैरिकेडिंग वहां गिरा है। गाड़ी इस पोल से टकराई है। यहाँ इंपैक्ट है, और यहां से ये इस पॉइंट पे, इस जगह पर टकराई।